मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से तुरंत इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा में उनका कार्यकाल बाकी है, कार्यकाल तक तो वो मंत्री रह ही सकते हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को राज्यसभा के जदयू प्रत्याशी खीरू महतो के नामांकन में शामिल होने के बाद मीडिया से मुखातिब थे। उनसे आरसीपी के मंत्री पद को लेकर सवाल पूछा गया था। बोले, तुरंत इस्तीफा देने का क्या मतलब है? जदयू की ओर से केंद्र में किसी और को मंत्री बनाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सब आगे की चीज है, किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं है, समय आने पर सब चीज क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सब लोगों के विचार विमर्श के बाद ही जदयू के उम्मीदवार की घोषणा की गई। पार्टी में किसी भी चीज को लेकर कोई मतभेद नहीं है। खीरू महतो को लेकर किसी को भी इतराज नहीं है, आरसीपी सिंह को भी नहीं। उनको पार्टी ने शुरू से काफी अवसर दिया है, पार्टी में उनकी भूमिका है ही, पार्टी में सभी को जिम्मेवारी मिलती रही है। खीरू महतो जी का नामांकन हो भी चुका है, बाकी सब प्रोसेस तो चल ही रहा है और आप लोग तो सब आए हैं। बड़े खुशी की बात है कि आप इतने लोग सब लोग जितने आए हैं, सब लोग खुशी की बात है। और कोई बात है तो पूछिए। आरसीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि आपको धन्यवाद दिया है और मंत्रिमंडल को लेकर के कहा कि पीएम का भी समस्या, हम दिल्ली जाकर पीएम से बात। सब कोई समस्या नहीं, कोई भी चीज तय करना होता है वो आप जानते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसको सब कुछ कहा जाता है। लेकिन ये सब बात तो हो गई थी और तय किया था, बहुत उनसे विचार विमर्श करके सब कुछ हुआ हो गया है। उन्होंने भी आज कहा है बना रहे हैं था, तो कल तो आप जानते ही हैं कि पार्टी अध्यक्ष ने भी अपनी पूरी बात कहा था। इसलिए यहाँ कोई किसी चीज को लेकर के मतभेद नहीं है। हम की इच्छा हुई कि नहीं, एक हम झारखंड से और आ चुके, काफ़ी काम हो रहा है और ये पुराने साथी हैं और ऐसे व्यक्ति को भी, बगल के राज्य वाले को भी एक मौका देना जरूरी है, तो इसीलिए सब चीज़ सोच करके किया गया है। लोगों को बड़ी खुशी है, दोनों तरफ सबको खुशी, और किसी को किसी बात के लिए एतराज नहीं है। और उन्होंने खुद भी आज हरसिमरत सिंह ने खुद भी बात किया है, तो कोई इतराज वगैरह की बात नहीं है। ये सब चीज़ जो होता है उनको तो इतना अवसर दिया ही है, हम लोगों ने शुरू से ही दिया है अवसर। जब IAS अफसर थे तब साथ, उसके बाद तब फिर राज्यसभा में भेजना, दो बार भेजा भी, पार्टी का भी अध्यक्ष बनाया, अभी केंद्र में मंत्री भी है, तो ये सब मौका मिला है, तो उससे कोई खास बात नहीं है। सब लोग पार्टी में हैं और निर्णय हुआ कि नहीं इस बार मौका जरा ऐसा हम लोग दे दें बदल के। नहीं नहीं, तो अभी तो टेनियर है ना, ये तो चुनाव समय के पहले ना हो रहा है, वो तो जब तक का समय है तब तक के लिए तो है ही ना, तो अभी तुरंत इस्तीफा देने का क्या मतलब है? तो बिल्कुल समय होता है उसके लिए, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। पार्टी संगठन में क्या लगता है, उनको कुछ जगह दी जाएगी? नहीं है भूमिका पार्टी में, आप देखते हैं कितना जिम्मेवारी कोई मंत्री बनेगा। सब लोग को जिम्मेवारी दिए गए, वो सब आगे की चीज, अभी की चीज नहीं। क्या अभी सब तो आगे की चीज है, और कोई जरूरत है किस चीज को मांगने की? वो सब तो अपने आप परिस्थिति पर क्लियर आपको होता रहेगा। नहीं नहीं, पिछली बार मुख्यमंत्री जी आप मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो प्रोपोर्शन जो आपको मिलना चाहिए था। पहले वाला बात और अब वाला बात कहे के लिए कर रहे हैं? तो क्या अब